का वीडियो है कि बच्चों को ग्रे वाटर कब और क्यों देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ग्रे वाटर क्या है? ग्रे वाटर ये आप सब जानते होंगे, ग्रे वाटर, फिर भी जो लोग नहीं जानते हो आप देख सकते हैं ग्रे वाटर ये है। अब इसके फ़ायदे के हैं और ये कब देना चाहिए। तो पहले फ्रेंड्स, ये ग्रे वाटर बच्चों को जो है 6 मंथ्स के बाद दिया जाता है। 6 मंथ्स के बाद क्यों दिया जाता है? क्योंकि बच्चों को हम 6 मंथ के बाद खाना देना स्टार्ट कर देंगे, धीरे धीरे हम उसका क्वांटिटी बढ़ाते हैं, खाने में चेंज लाते हैं, तो बहुत बच्चों को तो वो डाइजेस्ट हो जाता है और बहुत बच्चों को वो डाइजेस्ट नहीं भी होता है। तो हम कई बार उसको डाइजेस्ट नहीं होता, वो दर्द से भी रोने लगता है, हमको पता समझ में नहीं आता वो बच्चे रो क्यों रहा है, क्या हो रहा है। तो जो ये ग्रे वाटर है इसी का काम करता है। अगर 6 मंथ्स के बाद जब बच्चों को खाना देना स्टार्ट करेंगे तो आप अपने रूटीन में शामिल कर लें कि आपको सुबह और शाम 1 चम्मच बच्चे को ये पानी देना ही देना है, ग्रे वाटर देना ही देना है। उससे क्या होगा, जो भी उसने खाया होगा ना वो इसलिए डाइजेस्ट हो जाएगा, सारा खाना पच जाएगा, बच्चे का पेट है उसमें कोई भी तरह की गैस नहीं बनेगी और धीरे धीरे करके बच्चे का जो है डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव होने लगेगा। और सबसे मेन बात है कि बच्चे का पेट टाइम टाइम साफ होता रहेगा, तो बच्चा क्या है अच्छे से उसका जो पाचन क्रिया है वो अच्छे से पच जाएगा, अच्छे से मतलब अच्छी तरह से सही हो जाएगी, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम जो होती है वो नहीं होगी, इसलिए वो खाएगा, इसलिए वो हैप्पी रहेगा। बिकॉज कई बार जब हम बच्चों को खाना देना स्टार्ट करते हैं उसको पछता नहीं, बच्चा रोने लगता है, वो समझ में नहीं आता वो क्यों रो रहा है, किससे रो रहा है, और हम लोग टेंशन में आते हैं बच्चों को क्या हुआ होगा। तो बच्चे को यही होता है, हम जब उसको खाना देते हैं और उसको वो नहीं पछता तो उसका पेट फूलना शुरू हो जाता है, गैस बननी स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए मैं आपको सबसे पहले कहूँगी कि अगर आपका बच्चा 6 मंथ्स का जब खाना देना स्टार्ट होता है तो आप उसको ही सुबह और शाम एक चम्मच देना स्टार्ट कर दीजिए, उससे उसकी पाचन क्रिया बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग बन जाएगी, उसका डाइजेशन सिस्टम इम्प्रूव हो जाएगा, वो जो खाना खाएगा उससे उसको कोई भी तरह की गैस नहीं होगी। और अगर आप अपने बच्चों को 6 मंथ से पहले खाना देते हैं तो प्लीज़ आप उसको ये ग्रे वाटर पहले ही स्टार्ट कर दीजिए। बिकॉज बहुत लोग होते हैं जो 6 मंथ से पहले बच्चे को खाना देना स्टार्ट कर देते हैं 3rd मंथ 4th मंथ, लेकिन मैं तो अपना आपको यही आइडिया दूंगी, अपना एक्सपीरियंस यही कहूंगी, डॉक्टरों का कहना है जो है वह यही कहूंगी कि आप 6 मंथ के बाद ही बच्चे को उपकर का खाना दें, 6 मंथ से अपनी फीड पर ही रखें। बट लेकिन अगर आप ऐसा कुछ करते हैं कि 6 मंथ से पहले बच्चों को खाना देते हैं तो आप उसको सिर्फ खाली दिन में 1 चम्मच, 2 टाइम्स की ओनली 1 टाइम, दिन में 1 चम्मच आप इसको ये ग्रे वाटर दीजिए, ताकि जो वो खाना बच्चा खाएगा उसको कोई परेशानी नहीं होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, उसका डाइजेस्ट अच्छे से बना रहेगा और बच्चा जो खाएगा उसको धीरे धीरे पच जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो कि बच्चों को ग्रे वाटर क्यों देना चाहिए और कब कब देना चाहिए। अगर आपका बच्चा 6 मंथ से कम का है और वो पर खाना खा रहा है तो आप उसको 1 टाइम भी दीजिए, 6 मंथ से ही ज़्यादा का है तो 2 टाइम दीजिए, और आपका बच्चा 1 साल का तो आप उसको 3 टाइम भी कर सकते हैं। ये क्यों है ज़रूरी? बिकॉज इससे बच्चे को गैस नहीं बनती, ये डाइजेस्ट सिस्टम अच्छा से रखता है, बच्चे का खाना बराबर पचता है और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ना पेट में दर्द होता है ना पेट फूलता है। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और आपको कोई भी क्वेश्चन तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, डेफिनेटली उसका वीडियो देखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।